मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव से पहले अक्सर मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल चेहरों को लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं शाह के भोपाल दौरे के बाद सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने की चर्चा जमकर वायरल हो रही थी बता दें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री हुई थी तब से इसी बात की चर्चाएँ शुरू हो गई थी कि वह शिवराज के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार होंगे चुनावी साल में यह चर्चा कई बार सियासी तौर पर की गई लेकिन अब सोशल मीडिया पर सिंधिया को सीएम बना दिया गया शाह भोपाल में बैठक करने पहुंचे तो सोशल मीडिया पर यह चर्चा फिर तेज हो गई कि सीएम के पद पर बीजेपी सिंधिया को बैठाने वाली है हालांकि यह सोशल मीडिया की सुर्खी ही बनी रही बता दें मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और सिंधिया खेमी की पूर्व सदस्य इमरती देवी ने भी मंच से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री कह दिया था हालांकि इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी गलती को सुधारने का प्रयास भी किया था